सरदार आए हैं तो फिर वो तो नहीं चलाते, लेकिन पीछे आप अपनी गाड़ियों को पार्क करें ताकि व्यवस्था बनी रहे और निकलने में किसी को जाने में कोई दिक्कत ना हो। मेरी भाई युवा साथियों से, भाइयों बैठ जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप बैठो यार, पंचायत का एक अच्छा सा लगेगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है भाई, कोई इधर उधर खड़े हो क्या फायदा, आप सब लोग एक आगे की तक पीछे स्कूल में जो खड़े हैं भाई, स्कूल के ग्राउंड में सब लोग आप आ जाइए। एक किया गाड़ी है 5222, वो शायद रोड पे खड़ी है और वहां से आवाजाही में ताकि परेशानी आ रही है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसको हटा लिया जाए, और क्योंकि आगे की तरफ लगा दें पीछे लगा दें, 6222 किया गाड़ी है। और एक कोई भी हमारे साथी हैं, मैं क्या चाहता हूं कि एक पेन और कोई वो आप नोट करते रहेंगे, जो जो हमारे साथी अगर सम्मानित सरदार बोलना चाहेंगे उस तरीके से कहां से है उनका पूरा परिचय, तो फिर वो एक सीरियल बन जाएगी, क्योंकि एक वक्ताओं की भी अगर हम जो हमारे माननीय सरदार हैं जो उनके विचार होंगे उनको भी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एक सीरियल बनेगा तभी तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। भाई बैठ जाओ आप, प्लीज आइए आइए आगे आ जाओ, ये जोहड़ की पाल के ऊपर भाई खड़े आ जाओ यार, कोई उसमें क्या है, आप प्लीज रिक्वेस्ट है। और ये आगे भी सब आप लोगों के बैठने के लिए है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जो मंच है आप इस पे भी ऊपर आराम से, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए बनाया है। मैम ऊपर आ जाइए आप, तो बैठिए क्योंकि महिला शक्ति का बहुत ज्यादा, आइए प्लीज आइए, आइए यहाँ बैठो, ऊपर से आप ही शुरुआत कर दो और क्या। और ये ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जैसे जोश भर जाता है, मैं अभी सुन रहा था सुबह बहुत ऐसी ऐसी वीडियो आजकल, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये भी लोगों में ज्यादा जोश भरती है, तो इस जोश के साथ में होश को भी बनाए रखें, क्योंकि वो जोश तो जब सुनते हैं तो फिर वो होश बाद में कहता है यार वो तो गलती होगी यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इस जोश के साथ में होश भी बहुत जरूरी है। आ जाओ ऊपर, चलो कोई नहीं बैठे रहने दो भाई, जहां जहां जैसी जिसकी इच्छा है। अभी हमारे सम्मानित पार्षद भी आ रहे हैं, मैंने फोन किया था, कह रहे भाई पहुंच रहे हैं अभी हम, अरे मैंने कहा इतना जल्दी क्या, फटाफट नहा दो के निकलो, क्योंकि आदमी के नहाने में और खाने में क्या फटाफट निकलना चाहिए, अगर मर्द ने ज्यादा टाइम लगा दिया तो फिर बेकार हो जाता है ना काम, नहीं तो अभी निकल आ रहे हैं सब लोग और पंचायत की अभी विधिवत शुरुआत करेंगे। और सभी वैसे यूथ की ज्यादा इसमें आज भी क्योंकि जहां युवा अंगड़ाई लेता है वहीं तरफ वहीं सारी चीजें तो उस तरफ ही चलती है, तो मुझे लगता है यूथ का ज्यादा 40 से नीचे बहुत लोग हैं यहाँ पर हमारे नौजवान साथी हैं, तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी चीज से है कि यूथ पर कंट्रोल नहीं आता, तो मैंने कहा भाई यूथ को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे छोटे भाइयों से बच्चों से, क्योंकि उनको भी डर ये रहता है कि यार युवा अवस्था है 20-22 साल की 24 साल की, अब जितने भी बच्चे जो पकड़े गए हैं ना इसमें जो नाम आए हैं सारे यूथ है, कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का है, वो पता नहीं किस वजह से गलती की वजह से ही आया है, किसी ने फोन कर दिया भाई आ जाओ वहां पे, और वो पहुंच गए, वो अचानक इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई कि उसमें आसपास के मुझे लगता है कि इन गांवों के बच्चे होंगे, अभी तो नाम तो क्लियर नहीं हुए, क्योंकि चार तो बच्चे तिगरा के जो हैं वो भी जेल में चले गए हैं, कुछ के नाम हैं, कुछ नाथूपुर के हैं, कुछ आसपास के गांवों के होंगे ऐसा कुछ बताया गया है, बाकी तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।